अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक लर्न एंड अर्न विद लाइफ एक्सपीरियंस। मैं हूँ मिसेस फलक मुजम्मिल और मैं अभी हूँ कराची रेक्स मार्केट में। रेक्स मार्केट का आपने ज़रूर सुना होगा, ये ज़ैनब मार्केट के अपोजिट साइड पर ये मार्केट है। यहाँ पर भी आपको एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ मिलेंगी, ब्रांडेड क्वालिटीज़ मिलेंगी। जो ब्रांड है उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, माइनर डिफेक्ट होता है, लाइक टैग का या कुछ कट है। ये साइज़ अगर 5 ईयर्स की है उसमें आपने, उसमें जो है 6 ईयर का टैग लगा हुआ है या 5 ईयर का है तो 4 ईयर का टैग लगा हुआ है, तो ये छोटी छोटी सी माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं, या कहीं कहीं पे भी रफू वाला भी थोड़ा सा काम हुआ होता है। लेकिन बिलीव मी, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सर्दियों की शॉपिंग की थी, यानी कि ट्राउज़र्स वगैरह लिए थे और कुछ स्वेटर लिए थे, कि बीच में एकदम ठंड भी आ गई थी जो कि मोस्टली नहीं आती। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा विज़िट करा रहे हैं आपको शॉप्स का, या आप देख रहे हैं काफ़ी सारी शॉप्स हैं। मैं तकरीबन, मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह 12 इयर्स का होने वाला है, तो मैं तकरीबन यहाँ से 10 साल से कपड़े ले रही हूँ और 2 शॉप से मैं वहीं से ले रही हूँ। तो आएँ आप ही देखें कि कैसी शॉप्स है और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक और मज़े की चीज़ है, यहाँ पर आपको फैक्ट्री आउटलेट्स भी मिलेंगे, जैसे डाइनर का भी है, दूसरी और शॉप्स भी हैं यहाँ पर, एक्सपो सिटी भी है, एक्सपो स्टोर भी है। ये तो भी मैं बाकायदे रेक्स मार्केट के अंदर हूँ, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो आपको वहाँ पर ये चीज़ मिलती है। ये एट्रियम मॉल के अपोजिट साइड पर है। यहाँ पर मैं अभी एट्रियम मॉल में एंटर हो चुकी हूँ। एट्रियम मॉल में भी आपको फैक्ट्री आउटलेट्स मिलेंगी काफ़ी सारी है, निशात की भी है, जे डॉट भी है, आउटफिटर भी है, ब्रेकआउट भी है और लाइमलाइट भी है। यहाँ पर ब्रांड्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन फैक्ट्री आउटलेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगी और काफ़ी अच्छी आपको, मतलब जो है मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाता है। शॉपिंग पर आएँ और हम कुछ खाएं नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो, अभी हम हैं फूड कोर्ट पे। मैं यहाँ से शॉपिंग पहले मैं कर चुकी थी और यहाँ पर फूड कोर्ट पे हम वेट कर रहे हैं। तो डिफरेंट लोग, डिफरेंट पसंद और डिफरेंट चॉइसेस, किसी ने बर्गर लैब का किया, किसी ने जो है बर्गर किंग का किया, किसी ने पिज़्ज़ा मंगवाया। सो, हमने थोड़ा थोड़ा सा सबको जो है ट्राई किया और वाकई में हमने उसको इंजॉय किया। बच्चों के साथ इंजॉय भी करते हैं और मुझे तो बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ अपने। और ये जो फूड एरिया की आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे बेटे ने निकाली है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और उसको सपोर्ट कीजिएगा। उसने मुझे कहा, मम्मी मैं आपके लिए ये वीडियो यहाँ से बनाऊँगा, तो ये उसी की बनी हुई वीडियो है। जी, खाना आ चुका है। पिज़्ज़ा मेरे बच्चों की चॉइस थी और मेरे हस्बैंड की थी कि हम बर्गर किंग से बर्गर मंगवाएं। मैं काफ़ी दफ़ा एट्रियम मॉल आई हूँ और पर ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट्स हैं। वंस मैं यहाँ से विज़िट कर रही थी तो एक शॉप में देखी, वहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट लिखा हुआ था, फिर दूसरी शॉप पर गए, वहाँ पर भी फैक्ट्री आउटलेट लगा हुआ था। हम बेसिकली यहाँ पर रेक्स मार्केट आते थे, वहाँ से शॉपिंग करते थे, एट्रियम मॉल आते थे, यहाँ से फूड
खा कर एंड देन हम वापस चले जाते थे। मैं यहाँ पर बैनर देखती सेल के, लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने कहा यहाँ से कुछ शॉपिंग की जाए। जब मैं एंटरव्यू शॉपिंग के ही उसमें आई माइंड बनाकर, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट्स हैं। तो देन मेरे रिलेटिव्स हैं यहाँ जो आते थे, मैंने उनको भी बताया, तो यहाँ से आपको अच्छी शॉपिंग हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने रेक्स मार्केट से क्या शॉपिंग की, किसके लिए की, कितने की। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो फिर जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।